सेवा सहकारी समिति यात्रायला चाक घाट में समिति प्रबंधक द्वारा की गई अपने सगे संबंधियों की फर्जी नियुक्ति। आपको बताते चले कि रीवा जिले के सहकारी समिति यात्रायला चाक घाट में समिति प्रबंधक विनोद तिवारी द्वारा अपने ही सगे संबंधियों को फर्जी तरीके से नियुक्त कर दिया गया है, जिसकी लिखित सूचना उपायुक्त सहकारिता जिला रीवा को भी ग्रामीणजनों ने प्रेषित किया, किंतु 12 सितंबर 2022 से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। समिति प्रबंधक विनोद तिवारी द्वारा बिना समिति के सदस्यों की जानकारी के अपने सगे भाई संजय तिवारी व अभिषेक तिवारी को नियुक्त किया गया, जबकि सहकारिता नियम के तहत समिति प्रबंधक अपने सगे संबंधियों की नियुक्ति नहीं कर सकता है। और तो और, अपने सगे मामा के लड़के रवीश पांडे को भी सेल्स मैन नियुक्त किया गया है, जिसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन 1914578 पर दर्ज कराई गई है। वर्ष 2018 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जब कर्ज माफी के समय घोषणा हुई थी तो रवीश पांडे के नाम से भी कर्ज निकाला गया था। आइए आपको सुनाते हैं संदीप तिवारी की जुबानी। क्योंथर से हमारे रिपोर्टर आशीष पाटकर की खास रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। हाँ सर, क्या बताना चाह रहे थे कि आप यहाँ समिति में कैसे फर्जी? ये बताना चाह रहे हमारे यहाँ अतरला समिति में समिति प्रबंधक विनोद तिवारी जी, इन्होंने अपने सगे भाई संजय तिवारी को सहायक प्रबंधक में फर्जी तरीके से नियुक्ति कर लिया है, जिसकी शिकायत मैंने दिनांक 12/9/22 को मैंने उपायुक्त महानगर सहकारिता को किया था, जिसमें आज तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई श्रीमान जी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं यहाँ अनशन कर दूँगा। प्रबंधक का क्या नाम है? समिति प्रबंधक का नाम श्री विनोद तिवारी, और उन्होंने अपने सगे भाई संजय तिवारी और एक का अभिषेक तिवारी दो की नियुक्ति की है, एक का सहायक प्रबंधक और एक का सेवा समान, दोनों की नियुक्ति फर्जी तरीके से की है, जिसकी जाँच होनी चाहिए। मर्यादित साधन सहकारी समिति की नियुक्ति के विषय में सर आप क्या बताना चाह रहे थे? मैं यही बताना चाहता हूँ, चाहे कोई भी समिति हो हमारे इस क्षेत्र में, जो भी किसी भी फर्जी तरीके से किसी की नियुक्ति हुई हो, चाहे वो किसी भी समिति की हो, मैं चाहता हूँ उसकी पूरी तरह से निष्पक्ष और न्यायिक जांच हो। तो क्या आपके समिति में ऐसी कोई घटनाएं घटित हुई है क्या? ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो हमारे भाई साहब ने वर्तमान पिछले उसमें वक्तव्य में बताया, तो मैं यही चाहता हूँ उसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच। मतलब उसका जो नियुक्ति हुई है उसका विज्ञापन जारी नहीं किया गया? आपका शुभ नाम सर? जी आकाश तिवारी। आकाश तिवारी, आप आपका क्या पद है? भाजपा युवा मोर्चा का मंडल महामंत्री। तो आप तो चाहते हैं कि इसकी उचित जांच हो? जो सही हो उसकी जांच। तो सूबे में तो सर आपकी सरकार है, आप जांच करा सकते हैं। हमने इसके लिए आवेदन भी दिया है पूर्व में, और उसकी जांच के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जांच हो, हमारे पार्टी से जो भी होगा सारा सही होगा। समिति में नियुक्ति कैसे हुई? आप उस समय मेंबर रहे हैं, सदस्य रहे? जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार तिवारी। राजेंद्र जी, आप ये बताइए, जब आप सदस्य रहे तो ये नियुक्तियाँ कैसे हुई थी? अवैध हुई, हमको लोगों को कोई पता नहीं, कोई सदस्य को नहीं पता है, कोई सदस्य कोई लिस्ट निकाली गई नहीं, कोई जानकारी किसी को दी गई। तो आप लोगों ने कभी इसका विरोध किया था? विरोध जब जानकारी हुई नहीं, जब जानकारी हुई अब विरोध कर रहे हैं। अब कर रहे हैं? तो आप कब से कब तक मेंबर रहे उस समिति के? समिति के चुनाव जब चुनाव हुआ था उससे अभी जो नियुक्ति हुई उसकार में सदस्य थे, सदस्य रहे हैं। हाँ। लेकिन आपको नियुक्ति की संज्ञानता नहीं? आपको किसी भी सदस्य को नहीं जानता किसी भी? और कौन कौन सदस्य रहे हैं? हम राजन तिवारी, रमाकांत अध्यक्ष थे, मान सिंह थे, रमाकांत सिंह थे, कमलाकर तिवारी, किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता है।